दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। आज के इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क की ऑफिशियल लॉन्चिंग के बारे में, क्योंकि पाई नेटवर्क की 5th एनिवर्सरी आने वाली है। तो उस दिन क्या हो सकता है उसके बारे में आप सभी को पता चलेगा, और मार्केट के अंदर बहुत सारे आर्टिकल आ चुके हैं पाई नेटवर्क की लॉन्चिंग को लेकर। उसके साथ आपको ये पता चलेगा बिटकॉइन वर्सेज पाई नेटवर्क, मतलब पाई नेटवर्क किस तरीके से बिटकॉइन से बेहतर बन सकता है। KYC प्रोसेस के बारे में आप सभी को प्रॉपर बताने वाला हूँ। टॉपअप एंड विड्रॉल के बारे में आपको पता चलेगा। इकोनॉमिक एंड क्रिप्टो एक्सपर्ट आउटलाइन 10 चैलेंजेस फेसिंग पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क की जो GCV वैल्यूएशन है 3,14,000 US डॉलर के आसपास, वो पहुंचने तक में कितने पाई नेटवर्क को प्रॉब्लम्स आ सकती है उसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से पता चलने वाला है। इसके अंदर हम इकोनॉमिकल फैक्टर्स को भी देखेंगे और एक्सपर्ट्स इसमें क्या अपनी राय रखते हैं वो भी आप सभी को पता चलेगा। और अभी हाल फिलहाल के अंदर प्रमोशंस एंड एडवर्टाइजमेंट्स किस लेवल पर हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो भी आपको पता लगने वाला है। तो वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप सभी को जानने को मिलने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखोगे तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर ले, एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारा फर्स्ट अपडेट आ चुका है। यहाँ पे बताया जा रहा है पाई नेटवर्क इज अबाउट टू सेलिब्रेट इट्स 5th एनिवर्सरी पाई डे। तो आप सभी को पता है कि पाई नेटवर्क की 5th एनिवर्सरी आने वाली है, मतलब कि पाई नेटवर्क को अब 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ पे डेट प्रॉपर लिखी गई है 14 मार्च। वॉट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन ऑन दैट डे? तो आप सभी क्या सोचते हो कि इस दिन क्या चीज़ें हो सकती है, क्योंकि अभी सालों से 3-4 साल से ऊपर हो चुका है जब पाई नेटवर्क हर बार मार्केट के अंदर एक रूमर फैलता रहता है जिसमें बताया जाता है कि पाई नेटवर्क की जो ऑफिशियल लॉन्चिंग है वो हमें 14 मार्च के दिन देखने को मिलने वाली है। बट इस साल क्या होगा वो आज की वीडियो के अंदर आपको आखिर में पता लग जाएगा। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे बात की जा रही है, इन दिस बुल मार्केट डू यू थिंक पाई नेटवर्क और बिटकॉइन इज़ बेटर? अभी के टाइम में पाई नेटवर्क की तो आप फैन फॉलोइंग को जानते ही हो, धीरे धीरे करके किस हिसाब से ग्रो कर रही है। उसी हिसाब से बिटकॉइन की हम बात करें तो बिटकॉइन भी बहुत अच्छा खासा अपना प्राइस हिट कर रहा है, और ये 2021 का जो ऑल टाइम सबसे हाईएस्ट इसका 69,000 US डॉलर्स गया था, वो भी हिट ये कर देगा कुछ ही दिनों के अंदर, ठीक है। तो बिटकॉइन जो है अभी बहुत फ्यूचरिस्टिक क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है, उसकी वजह से बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं मार्केट के अंदर, इथीरियम हो गया या अदर बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, वो भी अच्छा खासा यहाँ पे पोटेंशियल हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छी खासी यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। और पाई नेटवर्क भी अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, फिर भी इसने बहुत सारी जो माइलस्टोन्स है Web3 के मामले में, NFT के मामले में, क्रिप्टो करेंसीज के मामले में, फैन फॉलोइंग के मामले में, हर जगह पे आपको ये ऊपर देखने को मिलती रहती है। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके हिसाब से पाई नेटवर्क बेटर है या बिटकॉइन बेटर है, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ जो कि पाई ब्रिजेस की तरफ से आ चुका है। यहाँ पे हम टॉपअप एंड विड्रॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीन पे आप सभी देख सकते हो, पाई ब्रिज ऑफिशियली ओपन्स पाई बी चेन्स ऑनर्स टॉपअप विड्रॉल गेटवे। तो अभी इन्होंने विड्रॉल और टॉपअप का स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देखोगे, विड्रॉल का कुछ इस टाइप का आपको आइकन देखने को मिलेगा, विड्रॉल पाई बी करके ऑनलाइन आपको यहाँ पे शो करेगा। ऑनर्स के बिहाफ पे बेसिकली इस चीज़ को किया जा रहा है, ठीक है। और उसके साथ मैं आपको यहाँ पे एक और फुटेज दिखा दूँ, तो यहाँ पे दूसरी फुटेज के अंदर आप देख पाओगे टॉपअप का भी यहाँ पे लिखा है, BEP20 BNB स्मार्ट चेन के थ्रू कर सकते हो या ऑनर्स के थ्रू भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट वगैरह करोगे, जो भी अमाउंट आपको डालना है वो डालोगे, एंड देन आपका यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर चीज़ों को जो मैंने बताया है वो यहाँ पे लिखा भी गया है, जैसा स्क्रीन पे आप देख सकते हो। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं KYC प्रोसेस के बारे में, और ये पाई ब्रिजेस का प्रोसेस है। गाइडलाइन फॉर KYC ऑन पाई वॉलेट एट पाई ब्रिज ऐप। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे 6 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप के अंदर आप सभी को अपने प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है। इस टाइप का कुछ इंटरफेस आप सभी के सामने होगा, ठीक है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे उसके बाद आप सभी के सामने इस टाइप का कुछ ऑप्शन आएगा पाई वॉलेट करके, ठीक है। पाई वॉलेट पे आप सभी को क्लिक करना है। पाई वॉलेट पे क्लिक करने के बाद पाई वॉलेट का जो भी एड्रेस वगैरह होगा, ठीक है, एंटर योर पाई वॉलेट एड्रेस एंड वेरीफाई OTP, ठीक है, ऐड एड्रेस। तो यहाँ पे आपको एड्रेस को ऐड करना है और OTP से आपको इस चीज़ को वेरीफाई कर लेना है। फोर्थ जो आपका स्टेप होगा, कॉपी करना होगा आपको एड्रेस, ठीक है, एंड सेंड करना है 0.001 पाई के आसपास, ठीक है। कॉपी करना है और जितना अमाउंट यहाँ पे बताया जा रहा है, और यहाँ पे नीचे लिखा भी गया है, ठीक है, KYC योर पाई वॉलेट, और यहाँ पे कितना पे करना है वो भी यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। ये करके आपको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद जो 5th स्टेप है, यहाँ पर लिखा गया है पाई ब्राउज़र, पहले तो पाई ब्राउज़र के अंदर एक्सेस करना है, सेंड करना है 0.001 पाई
टू कॉपी एड्रेस, कॉपी द सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हैश, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको कंप्लीट करोगे तो आपकी जो ट्रांजेक्शन है सक्सेसफुली वो कंप्लीट हो जाएगी। और जो छठा स्टेप होगा उसमें इस टाइप का कुछ इंटरफेस आएगा, यहाँ पे वेरिफिकेशन वाला आएगा, रिटर्न टू पाइब्रिज ऐप, आपको वापस रिटर्न कर देगा पाइब्रिज ऐप पे, और आपको करना है एंटर द ट्रांजेक्शन हैज इनटू वेरीफाइड ट्रांजेक्शन हैज एंड क्लिक वेरीफाइड डन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेरीफाइड ट्रांजेक्शन हैज पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपका जो ये वेरिफिकेशन है उस पर क्लिक करके कम्प्लीटली ये कम्प्लीट हो जाएगा। एंड गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाई नेटवर्क आप सभी को किस तरीके से बेटर सर्विसेज दे सकता है, जिसकी वजह से पाई नेटवर्क फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चलने वाला है। तो यहाँ पे पेमेंट नेटवर्क की बात की जा रही है, कमीशन कॉस्ट की, जैसा कि यहाँ पे आपको मास्टर कार्ड देखने को मिलता है, अगर आप इसके थ्रू पेमेंट्स करते हो तो आपको 3% के आसपास का यहाँ पे कमीशन देना पड़ता है, ठीक है। और उसके साथ आप वीज़ा यूज़ करते हो तो यहाँ पे 3% के आसपास का है। अगर आप पाई को यूज़ करोगे तो 0.01% के आसपास है, जो कि बहुत ही ना के बराबर हमें देखने को मिलता है। और पाई नेटवर्क बेसिकली यही चाहता है कि P2P जो ट्रेडिंग होगी इसके अंदर बेसिकली बायर एंड सेलर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर पाए, थर्ड पार्टी का कोई भी इन्वॉल्वेशन ना हो। जो प्लेटफॉर्म आप यूज करोगे वो पाई नेटवर्क का ही प्लेटफॉर्म होगा और वहां पे बहुत ही ना के बराबर आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे लोग इसी चीज़ को ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप जितना बड़ा अमाउंट यहाँ पे सेंड करोगे उस हिसाब से आपके अमाउंट पे 3% का लगने वाला है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं बड़ा अमाउंट हो जाता है, और जितना बार आप ट्रांजेक्शन करोगे उतनी बार आपको ये देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप पाई को यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही ना के बराबर ये देखने को मिलने वाला है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे आप देखोगे चाइना के अंदर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इवेंट्स वगैरह कंप्लीट हो रहे हैं, और बहुत सारे नए नए लोकेशंस पे और भी मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी कंडक्ट कराई जा रही है, जैसा कि आप इस वाली फुटेज के अंदर देख सकते हो। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। पाई का लोगो भी आप देख पाओगे, पाई नेटवर्क का प्रॉपर यहाँ पे नेम वगैरह भी मेंशन हो रखा है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं एक्टिवली, यहाँ पे सभी लोग सपोर्ट इस चीज़ को कर रहे हैं। अब हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं, जो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बोला था कि पाई नेटवर्क का जो GCV वैल्यूएशन है वो कैसे हिट हो सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, और पाई नेटवर्क को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने को मिलने वाले हैं। और ये इकोनॉमिकल लेवल पे भी हम डिस्कस करेंगे, और क्रिप्टो एक्सपर्ट इस चीज़ के बारे में क्या कहते हैं, और 10 चैलेंजेस भी यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट की बात की जा रही है, लैक ऑफ मार्केट डिमांड, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, अगर कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी क्रिप्टो है, अगर उसकी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है और वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है, तो ऑब्वियसली सी बात है उसका जो वैल्यूएशन है वो तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जिस हिसाब से बिटकॉइन के साथ है, बिटकॉइन भी अब लिमिटेड ही है, ऐसा नहीं है कि अब बिटकॉइन को आप माइन कर सकते हो। इसी वजह से जो वैल्यूएशन है बिटकॉइन का बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, और इसके पीछे बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, और वो सभी क्रिप्टो करेंसीज पे एक तरीके से एप्लीकेबल होते हैं। और जो यहाँ पे दूसरा पॉइंट बताया जा रहा है, लिमिटेड नेटवर्क इफेक्ट। लिमिटेड नेटवर्क इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर मार्केट के अंदर उतना कॉम्पिटिशन नहीं होगा और लिमिटेड चीज़ें होंगी, तो ऑब्वियसली सी बात है इंसान के पास चॉइस रहती है कि यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है, तो कोई ना कोई उसको यूज़ करना पड़ता है, और उनमें से सबसे बेहतर होता है वो अगर हमें अच्छा लगता है कि हाँ यहाँ पे हमें बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है तो हम उसी पर जाते हैं। बट अभी क्या है कि हर फील्ड के अंदर, चाहे आप स्मार्टफोन बाय करने जाते हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाते हो, कार्स की बात करें, बाइक की बात करें, तो हर जगह पे आपके पास एक से एक बेटर ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। किसी पे आपको कम पैसों के अंदर ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है, कहीं पे आप देखते हो कि यार बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है बट हमें लिमिटेड वैरायटी मिल रही है। बट उसके अंदर डिपेंड क्या करता है, ब्रांडिंग डिपेंड करती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो एक दो दिन के लिए तो ले नहीं रहे हो, ठीक है, उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए ले, तो आप बहुत सारी चीज़ें चेक करते हो। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट के अंदर आएगा, पाई की बात करें, क्रिप्टो की बात करें, ये मार्केट के अंदर आती है और ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल है, तो मैक्सिमम लोग इस चीज़ को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और लिखा भी गया है यहाँ पे, बिल्डिंग अ हाई GCV रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट्स वेयर द वैल्यू ऑफ द नेटवर्क इंक्रीज विथ मोर यूजर्स ज्वाइनिंग। जिस हिसाब से इसके साथ यूजर्स जुड़ेंगे उस हिसाब से इसका वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। और जो GCV की हम बात करें तो GCV जो वैल्यूएशन है 314,000 US डॉलर्स के आसपास। इसको मैं साफ साफ आपको क्लियर करूँ तो मैथमेटिक के अंदर पाई का जो वैल्यूएशन होता है 3.14 और ये इन्फिनिटी लेवल तक चलता है, ठीक है। ये जो वैल्यूएशन है इसी को रिप्रेजेंट करके इन्होंने GCV वैल्यूएशन को बनाया है। अगर आप GCV को INR के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 2.57 करोड़ से ऊपर का अमाउंट बैठता है। और बिटकॉइन का जो सबसे हाईएस्ट गया था वो 55 लाख रुपए के आसपास गया था 2021 के अंदर। तो अभी जो GCV है उसको हिट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगने वाली है, ठीक है। क्योंकि बिटकॉइन सबसे पहली क्रिप्टोकरेंसी थी जो यहाँ पे आई थी, और अभी के टाइम में इसको
किसी भी क्रिप्टोकरेंसीज ने हिट नहीं किया, और जो पाई नेटवर्क ने GCV रखा है वो भी अभी तक बिटकॉइन ने हिट नहीं किया है इतना बड़ा अमाउंट। ऐसा नहीं है कि वो अमाउंट हिट नहीं हो पाएगा, वो अमाउंट भी हिट हो जाएगा, बट एकदम से नहीं होगा, टाइम इसमें लगने वाला है, ठीक है। इसी चीज़ की यहाँ पे बात की जा रही है। और यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, लैक ऑफ एक्सचेंजेस एंड लिक्विडिटी। एक्सचेंजेस का मतलब तो वही है कि जैसे ही पाई नेटवर्क ऑन द फ्लोर आएगा तो आप सभी को कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे ये देखने को मिलने वाला है। और लिक्विडिटी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब चाहो उस टाइम पे विड्रॉल कर लो। बहुत सारी क्रिप्टोकरेंसीज मार्केट के अंदर ऐसी होती है जिसको आप बाय तो कर पाते हो, बट वहाँ पे आपको लिक्विडिटी देखने को नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोग उसी क्रिप्टोस पे जाते हैं जहाँ पे लिक्विडिटी हो, मतलब जहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन हमें देखने को मिले। और विड्रॉल का ऑप्शन तभी हो पाता है मतलब किसी भी क्रिप्टो के पास, जब उसके पास अच्छा खासा सफिशियंट अमाउंट अपने यूजर्स को देने के लिए। और जहां पे लिक्विडिटी होती है वो एक अच्छी क्रिप्टो मानी जाती है, ठीक है। और फोर्थ यहां पे एक पॉइंट है, कंप्लीटिंग मार्केट कंडीशंस, ठीक है। तो मार्केट कंडीशंस किस हिसाब से परफॉर्म कर रही है वो भी चीज़ यहां पे देखा जाता है। दी क्रिप्टोकरेंसी मार्केट इज फायरसली कॉम्पिटेटिव विथ न्यूमरस प्रोजेक्ट वलाइंग फॉर अटेंशन एंड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अभी क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं और क्रिप्टो अब धीरे धीरे करके और अच्छे से फैल रहा है। NFT, मेटावर्स, गेमिंग, DAO और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाते हो। और धीरे धीरे करके लोग इन सभी चीज़ों के अंदर भी अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब टेंजिबल जो तरीका है हमारा इन्वेस्टमेंट का, मतलब प्रॉपर्टीज़ वगैरह बाय कर लेना या गोल्ड वगैरह हम बाय कर लेते हैं, बट अब हम लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, डिजिटल इन्वेस्टमेंट पे, जहाँ पे हम क्रिप्टोज़ को बाय कर लेते हैं या NFTs वगैरह को बाय करते हैं या इन सभी डिजिटल फील्ड में अपनी इन्वेस्टमेंट को चालू करते हैं अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के बाद, ठीक है। उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। फिफ्थ है रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। रेगुलेटरी का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। किसी भी क्रिप्टो को अगर किसी भी कंट्री के अंदर एंटर करना है तो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी मानना पड़ता है, नहीं तो कभी भी किसी भी चीज़ को बैन कर दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी आप सभी को पता है, जैसे बाइनेंस अभी आप देखोगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बेकार चीज़ है ना। तो इसीलिए कोई भी, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, ये सेंट्रलाइज नहीं है, तो यहाँ पे अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ होगी तो गवर्नमेंट को पता लगेगा, तो ऑब्वियसली सी बात है बिना टाइम गवाए गवर्नमेंट इस चीज़ को बंद कर देगी। बट गवर्नमेंट अब चाहती है कि इस चीज़ को चलाए, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट गवर्नमेंट को भी हो रहा है और यूज़र भी यहाँ से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो शेयर मार्केट का पूरे महीने का वॉल्यूम होता है वो सिंगल डे का होता है क्रिप्टो मार्केट का, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्रिप्टो मार्केट कितनी बड़ी है, ठीक है। बट गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि जो उसकी कंट्री है, उसके जो यूज़र्स हैं, वो भी सेफली इन्वेस्टमेंट अपनी कर पाएँ, वो अपने पैसे ना गवाएं, तो ये भी चीज़ अच्छी है, ठीक है। ये भी यहाँ पे है। और यहाँ पे सिक्स पॉइंट है, लैक ऑफ स्केलेबिलिटी। लैक ऑफ स्केलेबिलिटी के अंदर क्या है, स्केलेबिलिटी इज़ अ क्रूशियल फॉर एनी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट एमिंग फॉर मास अडॉप्शन, ठीक है। जो मतलब किसी भी क्रिप्टो के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्केलेबिलिटी होती है, जो कि ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उसके साथ जुड़ेंगे उस हिसाब से उसकी जो परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से जो उसकी सिक्योरेंस है, वो भी मेंटेन करना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारा डेटा लीक हो रहा है या यूज़र अच्छे से चीज़ों को मतलब नहीं फंक्शन कर पा रहा, ठीक है। ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। और यहाँ पे लिखा गया है पाई नेटवर्क एबिलिटी टू स्केल इफेक्टिवली एंड एकोमोडेट अ ग्रोइंग यूज़र बेस विदाउट एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट टेक्निकल लिमिटेशंस और परफॉर्मेंस इश्यूज। तो अभी आप देखोगे तो पाई नेटवर्क के जो पाई ब्राउज़र है या अदर एप्लीकेशंस है अच्छे से स्मूथली वर्क कर रही है, जबकि इनका यूज़र बेस बहुत ज़्यादा अभी के टाइम में हो चुका है, जो कि 40-50 मिलियन के आसपास एक्टिव यूज़र बेस है और 100 मिलियन से ज़्यादा इसके टोटल यूज़र्स है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये किस हिसाब से सारी चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे और बातें की जा रही है। सेवन्थ पॉइंट है इन्वेस्टर परसेप्शन एंड ट्रस्ट। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी क्रिप्टो को लेकर। जैसे पाई की हम बात करें तो कोई भी सेलिब्रिटी नहीं है या कोई भी मिलियनेयर बिलियनेयर पर्सन नहीं है जो उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है या प्रमोट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप देखते हो जैसे प्रमोशंस, मीटिंग, बार्टर सिस्टम, इसी वजह से मैक्सिमम लोग इस चीज़ को ज्वाइन कर पाते हैं, क्योंकि लोकल लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि हाँ ये रियल है, तभी प्रमोट हो रहा है, क्योंकि कोई भी सेलिब्रिटी इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा है या कोई भी ऐसा पेड प्रमोशन आपको देखने को नहीं मिलता। जितनी भी लोकेशंस पे आप सभी को पाई नेटवर्क के प्रमोशंस देखने को मिलते हैं ना, वो पाई नेटवर्क ही करा रहा है, ठीक है, अपनी जेब से करा रहा है, ठीक है। और वो पैसा आ कहाँ से रहा है, जो पाई ब्राउज़र है ना उसका जो भी आप एडवर्टाइजमेंट ऑन कर रखी है वो ऑन करनी भी पड़ेगी आपको, उसी से ये सारा मेंटेनेंस कर रहे हैं, चाहे सर्वर का मेंटेनेंस हो गया, ब्लॉकचेन का हो गया, नोड्स का हो गया, या ये जो भी हैक्टन के लेके या अदर जो भी बैकअप में प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं वो सारा इसी से कर रहे हैं। और बैकअप में
बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी होंगे जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो अभी रिवील नहीं हुए हैं, बट जो भी अभी हमें इनकम का सोर्स देखने को मिलता है पाई नेटवर्क के साथ, ठीक है, क्योंकि आपसे तो एक रुपया भी वो ले नहीं रहा है, बट जो भी वो कर रहा है वो फ्री में तो हो नहीं रहा है। इतने बड़े बड़े इवेंट्स चाइना के अंदर, यूएसए के अंदर, कोरिया के अंदर आप देख पाते हो, तो ये सब कहीं ना कहीं से तो पैसा लग रहा है ना। तो ये पाई को टीम कहाँ से यूज़ कर रही है, वो यहाँ से यूज़ कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे 8 पॉइंट है, मार्केट वॉलेटिबिलिटी एंड इकोनॉमिकल फैक्टर। तो यहाँ पे इकोनॉमिकल फैक्टर डिपेंड करता है और मार्केट किस हिसाब से वॉलेटाइल है। आपको पता है कि मार्केट छोटी तो है नहीं, मार्केट बहुत बड़ी है, और यहाँ पे हर एक फैक्टर यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो सब फैक्टर अगर पॉजिटिवली चलेगा, उस हिसाब से इसका वैल्यूएशन धीरे धीरे करके पाई नेटवर्क का बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जब बिटकॉइन आया था तो उसका वैल्यूएशन में कुछ खास नहीं था, बिल्कुल ना के बराबर था। और आज के डेट में आप देखोगे तो यार बिटकॉइन को बाय करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जितने में आप एक बिटकॉइन को बाय करोगे उतने में आप एक अच्छी खासी लग्जरी प्रॉपर्टी को बाय कर लोगे, क्योंकि 50 लाख से ऊपर का अभी करेंटली इसका बिटकॉइन का वैल्यूएशन चल रहा है, ठीक है, 50 लाख से ऊपर, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये 2021 का भी ये तोड़ने वाला है रिकॉर्ड, और 2024 के अंदर इन्होंने टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला है कि ये $1,00,000 तक जा सकता है। मतलब कि आप समझ लो कि ये जो वैल्यूएशन है करीबन 80-70 लाख के आसपास ये जा सकता है 2024 के अंदर, और धीरे धीरे करके ये जो अमाउंट है और तेज़ी से बीट हो सकता है, क्योंकि ये जो मार्केट है अब धीरे धीरे करके पोटेंशियल में आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो 10वां पॉइंट है, डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन चैलेंजेस। तो अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है बहुत सारी चीज़ों को लेके, और उसको एग्जीक्यूट करना भी ज़रूरी है। तो पाई नेटवर्क को आप देख रहे होंगे कि पाई नेटवर्क ने लॉन्चिंग नहीं करी पर बहुत सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रखा है। अगर आपके पास पाई कॉइन्स है तो आप पाई चैन वॉल से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हो, या लोकल में भी आप बार्टर सिस्टम को जाके कोई भी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ और भी डिफरेंट चीज़ें इन्होंने ऑन कर रखी है, ठीक है, जो आप मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू देख पाते हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो इन्होंने ओपनली अभी कर रखी है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सभी को फ्यूचर में देखने को मिलेगी, जो उस पर अभी काम चल रहा है। जैसे NFT की बात करें तो आप NFT भी क्रिएट कर सकते हो, अगर आपकी NFT में कोई अच्छी बात होगी तो उसको बाय किया जाएगा, तो ये भी चीज़ अच्छी है, ठीक है। और पाई नेटवर्क एक चीज़ पे काम नहीं कर रहा, अलग अलग डिफरेंट फील्ड पे काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं 10 जो चैलेंजेस हैं जो पाई नेटवर्क अगर पॉजिटिवली कर पाता है, ठीक है। क्योंकि पाई नेटवर्क ने जिस हिसाब से अपना प्रोजेक्ट बना रखा है वो एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, और ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें आप डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें देख पाते हो। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं 14 मार्च के बारे में कि 14 मार्च को क्या पाई नेटवर्क की ऑफिशियल लॉन्चिंग हमें देखने को मिलेगी। तो लास्ट ईयर आप सभी को पता है रोड मैप के अंदर 3 कंडीशंस पाई नेटवर्क ने रखी थी, जिसमें जो मेजर कंडीशन है यूटिलिटी को लेके, हैकटन को लेके और KYC को लेके है। तो यूटिलिटी को लेके जो एप्लीकेशंस क्रिएट हो रही है वो तो बहुत अच्छे से हो रहा है, और इनका हैकटन का पूरा एक महीना भी कंप्लीट हो चुका है, और बहुत सारी एप्लीकेशंस है धीरे धीरे करके जो मार्केट के अंदर आने वाली है। अब बात रहती है KYC को लेके, तो KYC को लेके उतना खास हमें इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जिनकी थोड़ी सी भी गलती है उसकी भी KYC यहाँ पे रोक दी जाती है, और जिन्होंने सही तरीके से फॉर्म को फिल कर रखा है उनकी KYC हो जा रही है, बट कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उन सभी पाइनियर्स को जिन्होंने रियल तरीके से पाई कॉइंस को माइन कर रखा है, जिनकी थोड़ी बहुत गलती है। तो ये थोड़ी बहुत गलती को ये कैसे इंप्रूव करते हैं, वही सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम है, ये टैकल कैसे करते हैं, ये चीज़ सबसे बड़ी है, क्योंकि इससे पाइनियर भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। अब बात रही कि 14 मार्च को लॉन्चिंग होगी कि नहीं होगी, तो दो चीज़ें हो सकती है। पहली तो ये है कि कुछ बड़ा आपको स्पेशल वहाँ पे देखने को मिल सकता है, और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लॉन्चिंग हो सकती है, एकदम से ये कर सकते हैं। तो बट ये अगर लॉन्चिंग करते हैं तो बहुत ही बड़ा होने वाला है और बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है, क्योंकि इस साल पाई नेटवर्क को 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, और 5 साल एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और ये अभी के हिसाब से बहुत बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बन सकती है फ्री में जो माइन की जा रही है। अगर ये और डिले करेंगे तो कहीं ना कहीं पाई नेटवर्क के जो सभी पाइनियर्स हैं उनके पेशेंस के साथ खेलना का काम हो जाता है, क्योंकि यार 5 साल कोई छोटा अमाउंट ऑफ टाइम नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, और अभी इनको कर देना चाहिए। और बाकी जो चीज़ें इनको करनी है वो तो पाई को टीम ही करेगी जो ऑफिशियली चीज़ों को रिवील करेगी, बट अभी के टाइम में बहुत सारे मार्केट के अंदर रूमर्स फैल रहे हैं कि 14 मार्च को इसकी लॉन्चिंग होगी। इस चीज़ को लेके 100% कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है अभी तक, ठीक है, बट उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि ऐसा हो सकता है। सो दोस्तों आई होप सो कि आपको चीज़ों को समझ में आया होगा क्या क्या बताया मैंने, और अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइज एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।